क्वेश्चन नंबर 7 जो बेसिकली आप लोगों का कॉमन डाउट ही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास क्या दिया हुआ है, एक आपके पास सेक्शन है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया क्या है कम है, ओरिफाई सेक्शन ही बोलेंगे इसको। और बेसिकली क्या गिवन क्या है आपके पास, गिवन डाटा अगर हम देखें तो दैट विल बी गिवन पार्ट के अंदर आप देखें तो आपके पास प्रेशर डिफरेंस गिवन है ना, द प्रेशर वाटर चेंज, तो सीधा बर्नौली लगा रहा हूँ, P1 प्लस में क्या हाफ रो वन वी वन का स्केयर इज इक्वल टू P2 प्लस में हाफ रो टू वी टू का स्केयर, क्योंकि हाइट तो चेंज हुई नहीं, लीनियरली चल के आ रहा है डाटा, ठीक है, तो एवरेज हाइट सेम है, तो पोटेंशियल हाइट को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तो P2 वाले टर्म को यहाँ लेके आ रहा हूँ, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू यू कैन से दैट हाफ रो टू वी टू का स्केयर माइनस हाफ रो वन वी वन का स्केयर। अब चलते चलते लिक्विड तो चेंज हुआ नहीं, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम यू कैन टेक हाफ और रो को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया वी टू का स्केयर माइनस वी वन का स्केयर इज इक्वल टू जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपको गिवन है 600 के अप्रोक्स, ठीक है, तो लेट्स सी दैट। अभी एक रिलेशन और पे बताया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जब भी हमें यूज करनी पड़ती है तो इक्वेशन बनाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, ए वन वी वन जितना आएगा उतना जाएगा, फ्लो रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, और जिसकी यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके नाइस, तो यहां से मैं वी टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वी टू इज इक्वल टू आप किसी भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ए वन बाई ए टू और साथ में क्या रह जाएगा दैट विल बी वी वन, ठीक है, तो इस चीज को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर कहीं पे भी, और ये बनने वाला है 600 इज इक्वल टू हाफ रो की जगह रो और आपका वी टू की जगह आने वाला है ए वन बाय ए टू और वी वन का स्केयर, इस टर्म के ऊपर भी क्या आएगा स्केयर तो आएगा ही, माइनस में वी वन का स्केयर जो ऑलरेडी रिटर्न था, एक चीज और कॉमन निकल आई हाफ रो वी वन का स्केयर अंदर आ गया ए वन बाय ए टू इसका भी होल स्केयर और अंदर क्या चल रहा है माइनस वन इज इक्वल टू कितना 600, तो ले चलते हैं इसको 600 मल्टीप्लाई टू करें तो 1200 और नीचे क्या आने वाली है डेंसिटी, और यू कैन से दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वन बाय ए टू होल स्केयर, ठीक है, माइनस वन पावर माइनस वन में आएगी और अंडर रूट बोथ साइड करूंगा तो पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या लगे रह जाएगा वी वन, इसको भी सुलटाओ तो क्या बनने वाला है आपके पास 1200 के नीचे क्या आ गया आपके पास 1000, ग्रेट, ए वन और ए टू है ना, तो ये आपको गिवन है डाटा, ध्यान से देखो 30 और 15 कितना बन गया 2, 2 का स्केयर कितना होता है 4 और ये कितना हो गया मेरे पास दैट विल बी माइनस वन, सही है, इज इक्वल टू कितना चल रहा है वी वन चल रहा है, नाइस, वी वन से कुछ नहीं करना, अभी पूछा क्या उसने रेट ऑफ फ्लो पूछा है, क्यू पूछा है, तो वी वन से काम नहीं चलेगा, अभी इसको एक बारी और थोड़ा सा जितना हो सकता है निकालते हैं, ऊपर रूट 12 नीचे कितना रूट 10 और ये यू कैन से दैट कितना आ गया मेरे पास, यहाँ पे पावर माइनस वन भी आएगी, क्यों, ये रेसिप्रोकल होके नीचे जाएगा तो आई कैन से दैट पावर इसकी इतनी है, तो यू कैन से दैट इसके ऊपर माइनस का 1/2 पावर है, भाई सीधा सीधा मैं इसको 1/√3 लिख रहा हूँ, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है माइनस वन, ठीक है, आप इसको अलग से भी लिख सकते हो और माइनस का 1/2 भी लगा सकते हैं, नाइस, अभी कितना हो गया मेरे पास √3 मल्टीप्लाई में √4 और नीचे कितना है √10 मल्टीप्लाई में नीचे √3, √3 से √3 कटता है, तो वी वन मेरे पास कितना आ रहा है √4/√10, ये मेरे पास वैल्यू किसकी आई है, यू कैन से दैट सीधा सीधा 2/√10 आया है ना, कौन आया ये वी वन, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकालनी है तो क्यू कितना हुआ मेरे पास, क्यू इज इक्वल टू ए वन वी वन, ए वन कितना गिवन है हमें 30, 30 इंटू कितना 10^-4 करूंगा सेंटीमीटर स्केयर में है और ये कितना हो गया 2/√10, नाइस, कितना बन गया ये 60×10^-4/√10, ठीक है, एक जीरो यहाँ सेटल करो कितना बन रहा है 6×10^-3/√10 और ये सीधा सीधा ऑप्शन मैच हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, इसकी यूनिट है किसकी, फ्लो रेट क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ही तो होता है दैट इज अ पार्ट, और मेरा ये ऑप्शन इसके साथ मैच हो गया, ठीक है, तो फंडा क्लियर करिए, और दो ही चीजें हैं बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक रिलेशन कौन देगा आपको बर्नौली देगी और एक रिलेशन कौन देगा आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देगी, काम चल जाएगा, ठीक है, बाकी एक दो क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये ऐसा टाइप के क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है।